Well. इजेशन हम करेंगे वो है दर्ल्ड बैंक सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए की वर्ल्ड बैंक है क्या इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट्स जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जिनकी इनकम मिडिल या फिर लो मानी जाती है फॉर एग्जाम्पल भूटान फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका एटसेट्रा एटसेट्रा ताकि वहां पे भी डेवलपमेंट हो सके लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो सके इसके अंडर दो इंस्टीट्यूशंस हैं सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई ये जो बैंक है ये फोकस करता है कि कहीं पे अगर नेचुरल डिजास्टर हो गया है कोई कोई त्रासदी आ गई है उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उससे कोई कंट्री कैसे उभर सकती है इसके ऊपर काम करती है आई एंड सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज पे फोकस करती है इसका फोकस किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया उससे एसोसिएटेड नहीं होता जो वर्ल्ड बैंक है उसके वाशिंगटन डीसी में प्रेजेंटली इसके एनडी और सी एफ ओ है अंशुला कांत और डेविड मालपास इसके प्रेजिडेंट हैं विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पूंजीगत परियोजनाओं यानी कैपिटल से रिलेटेड आइडियाज में इन्वेस्ट करता है उसको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न और मध्य आय वाले देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है इसमें दो संस्थान शामिल हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है आईबीआरडी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है आईडीए डी ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक सबोर्डिनेट ब्रांच है प्रेजेंटली इसका फोकस दुनिया से गरीबी को कम करना है टू रिड्यूस पॉवर्टी सो वर्ल्ड बैंक ये सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है अब इतनी सारी रिपोर्ट्स को हम याद कैसे करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आप सोच लीजिए कि एप्पल जो है वो पालमपुर नाम के एक सिटी में अपना प्लांट इंस्टॉल कर रहा है तो वो एप्पल पालमपुर में अपना प्लांट कैसे इंस्टॉल कर पाया वो अपना प्लांट इंस्टॉल कर पाया क्योंकि पालमपुर में बिजनेस करना ईजी है सो देअर फोर वर्ल्ड बैंक सबसे पहली जो रिपोर्ट पब्लिश करता है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेकंड अगर वहां पे मान लो एक इंडस्ट्री आ गई है एक सिटी में तो वहां पे क्या होगा डेवलपमेंट होगा वहां पे उस कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करेंगे उनके लिए हॉस्पिटल्स स्कूल्स रोड्स एटसेट्रा खुलेंगे सो so, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है पालमपुर का तो वर्ल्ड बैंक अगली जो दो रिपोर्ट्स पब्लिश करता है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड इंडियन डेवलपमेंट अपडेट अब यहां पे स्कूल्स बन गए हैं तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में यहां पे यूनिवर्सिटीज भी बन सकती हैं। सो देर आर चांसेस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट सो देर फॉर वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है एनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट होगा उसकी कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को हम प्रोस्पेक्ट कहते हैं तो दुनिया की इकोनॉमीज में कितना फ्यूचर में डेवलपमेंट हो सकता है ये चीज ये वाली रिपोर्ट बताती है अब यहाँ पे लोग रहेंगे पालमपुर में बाहर के सिटीज से पालमपुर में लोग जॉब भी करने आएंगे क्योंकि यहाँ पे एप्पल का हब है तो यहाँ पे एक तो देखा जाएगा कि रहना कितना आसान है यानी हाउसिंग कंडीशंस अवेलेबल हैं कि नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल लो कैलिफोर्निया बहुत फेमस है आई सेक्टर के लिए लेकिन वहां पे रेजिडेंस इतना महंगा है कि लोगों को कार में ही रहना पड़ता है दे हैव टू मैनेज एवरी थिंग इन देयर कार्स और ट्रक्स उनको रोड पे सोना पड़ रहा है उनको रेजिडेंस मिल ही नहीं रहा है सो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक अब माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं पालमपुर में तो माइग्रेशन और डेवलपमेंट कितना हो रहा है माइग्रेशन और उससे एसोसिएटेड डेवलपमेंट कितना हो रहा है ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के द्वारा वर्ल्ड बैंक एक्सप्रेस करता है अब यहां पे अगर जनता आई है तो हॉस्पिटल्स भी खोलेंगे सो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स ये भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पीपल विल हैपन अब मान लो कि ये एक प्लेस है पालमपुर जहां पे एप्पल का प्लांट है एंड यहाँ पे एक्स प्लेस पे उसका मार्केट है तो ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स का वाई प्लेस से उसका सामान इनपुट हो रहा है तो अगेन ट्रांसपोर्ट हो रहा है जेड प्लेस से लोग माइग्रेट करके पालमपुर में आ रहे हैं जॉब्स वगैरह के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पीपल इज हैपनिंग तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है यातायात नाउ कंसिडर अ सिंपल पर्सन एम एक पर्सन है एम जिसकी फैमिली एक्स सिटी में रहती है तो वो अपनी फैमिली के पास पैसे भेजता है नाओ दैट पैसे जो वो पैसे भेज रहा है वो किस चीज़ में कैलकुलेट होंगे वो रेमिटेंस रिपोर्ट के थ्रू कैलकुलेट करके रिप्रजेंट किए जाएंगे यानि यहाँ से कितना पैसा बाहर फैमिलीज़ को जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंस तो उसकी रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है इसके अलावा एप्पल जो है वो लोन ले सकता है या डेप्ट ले सकता है ऋण ले सकता है या उधार ले सकता है इन द सेम वे एप्पल के एंप्लॉय भी लोन या डेप्ट ले सकते हैं एंड देयर फोर इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कर या ऋण से रिलेटेड जो डेटा है वो भी वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है सो गायस दैट वॉज ऑल अबाउट द रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक से इतनी रिपोर्ट्स थी जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय